नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन। कल पटना के गांधी मैदान में आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सवाल उठाया, हल्ला बोला और कहा कि नरेंद्र मोदी का तो परिवार ही नहीं है, जिसके बाद से ही लगातार जो है वो बीजेपी के नेता जो है बैक टू बैक सभी नेता पूरे देश भर में जो है वो ये लिख रहे हैं, मैं हूँ मोदी का परिवार। कई लोग एक्स पर लिख रहे हैं, कई लोग फेसबुक पर लिख रहे हैं, कई लोग बयान दे रहे हैं। इसी कड़ी में पशुपति पारस जो कि उनके करीबी मंत्री हैं, उनकी पार्टी के सहयोगी दल हैं, उन्होंने भी लिख दिया अपने नाम के बाद मोदी का परिवार। लेकिन उनके हनुमान यानी कि चिराग पासवान ने अब तक कुछ लिखा नहीं है। ऐसा आमतौर पर जो है वो होता नहीं है। एक वक्त आई थी राहुल गांधी ने, आपको याद होगा कि चौकीदार को लेकर हल्ला बोला था, कहा था, उसके बाद सबसे पहले चिराग पासवान ही वो शख्स थे जिन्होंने एक्स पर लिखा था चौकीदार शब्द। आज चिराग पासवान कहाँ हैं? बीते 20 फरवरी से वो गायब हैं, बिहार में नहीं दिख रहे। आखिरी तस्वीर जो है सार्वजनिक तौर पर चिराग पासवान की तब आई थी जब वो जमुई में थे, उनकी गाड़ी के आगे लोग जो हैं वो रो रहे थे और वो भी काफ़ी भावुक हो गए। उस दिन के बाद अब तक चिराग पासवान गायब है। एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जहाँ पर ये देखिए स्वेटर पहने हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान, बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। ये आज की तस्वीरें हैं, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं, लेकिन मुस्कान जो है उनके चेहरे से बिल्कुल गायब है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो हमारे सोर्सेस कह रहे हैं कि चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं, चिराग पासवान इस वक्त मौन है। मौन इसलिए हैं कि उनके मन मुताबिक जो है वो सीटों का बंटवारा बिहार एनडीए में जो है वो हो नहीं रहा है इस वक्त। सोर्सेस तो यहाँ तक कह रहे हैं कि चिराग पासवान को महज 3 सीटें ही मिल रही हैं और इसको लेकर चिराग पासवान खुश नहीं है और अपने लिए दूसरे रास्ते की तलाश भी जो है वो कर रहे हैं। आज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर अपने पार्टी के जो युवा कार्यकर्ता हैं उनसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन देखिए कितने गंभीर नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। आम तौर पर इतना गंभीर जो है वो चिराग पासवान नजर आते नहीं है। ये आज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर चिराग पासवान जो है वो टी शर्ट कम स्वेटर पहने हुए हैं, बिल्कुल डिजाइनर है वस्त्र, लेकिन फिर भी मुस्कान उनके चेहरे से बिल्कुल गायब है। गायब क्यों है? हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि 3 सीटों पर निपटा देना चाहती है बीजेपी और हाजीपुर भी नहीं मिल रहा है चिराग पासवान को। इन्हीं सब वजहों से चिराग पासवान जो है वो नाराज जो है वो चल रहे हैं। और आपको याद होगा 2-4 दिन पहले राम जो है वो हनुमान के घर पर आए, लेकिन हनुमान घर में ही नहीं थे। यानी कि पीएम मोदी का दौरा बिहार का दौरा होता है लेकिन उनके हनुमान जो हैं वो उनके साथ नहीं होते। यानी कि कुल मिला कहें कि हनुमान इस वक्त जो है वो नाराज चल रहे हैं और अंदर ही अंदर बीजेपी के लोग जो हैं उनको मनाने में भी लगे होंगे, ऐसा नहीं है। फिलहाल तेजस्वी यादव भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि चिराग पासवान को अपने खेमे में ले लिया जाए। बहरहाल हो जो भी, लेकिन दिलचस्प मुहाने पर पहुंच चुकी है बिहार की सियासत, और सियासत ये कि पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान भी हो सकता है, जो स्थितियां परिस्थितियां अभी बन गई है आज की तारीख के हिसाब से, तो हनुमान भी दूसरे खेमे में जा सकते हैं क्योंकि सीटें उन्हें जो हमारे सोर्सेज बता रही हैं कि वो कम मिल रही है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।